रोज एक कहानी सुनो। कहानी दिनेश दीक्षित से। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सेल्फिश जायंट्स का भावानुवाद। एक पहाड़ी की तलहटी पर एक पथरीला छोटा सा गांव था, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे एक बड़े महल में लंबे फैले उद्यान में रोज खेला करते थे। इस बगीचे में कई बड़े पेड़ थे, खूबसूरत मुलायम घास थी, मिट्टी भी काली और नरम थी। ये एक दानव का महल था और दानव 7 साल से बाहर अपने एक मित्र के पास गया हुआ था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती, बच्चे अपना बस्ता घर में फेंक कर इस खूबसूरत उद्यान में इकट्ठे हो जाते। लगभग हर झाड़ पर बच्चे चढ़ते, खूब धींगा मस्ती करते, छोटी सी झील में डुबकियां लगाते और शाम को थक कर घर लौट जाते। उद्यान हमेशा दिन में बचपन की किलकारियों से गूंजता रहता। हर मौसम में अनगिनत तितलियां, भौरे, चिड़ियाएं यहां पर अपने कलरव करते रहते। फूलों और फलों से लदे वृक्ष झूमते रहते, गाते रहते। फिर एक दिन दानव लौटा। उसने देखा कि गांव के तमाम बच्चे उसके महल के उद्यान में उधम मचा रहे हैं। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मेरा महल, मेरा उद्यान मेरी निजी संपत्ति है। मैं इसमें इस तरह की धींगा मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। उसकी कड़कती हुई आवाज से गांव के सारे बच्चे डर कर भागने लगे। दानव ने फिर कहा, खबरदार, जो फिर इधर आने की जरूरत की, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और दानव ने आनन फानन पत्थरों की एक बड़ी दीवार अपने महल और उस लाजवाब उद्यान के चारों तरफ खड़ी कर दी। एक लंबी ऊंची गोल स्वार्थ की दीवार, स्वार्थ की दीवार। और दरवाजे पर एक बड़ी तख्ती टांग दी, सावधान, आने जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में बच्चों के खेलने की कोई और जगह थी नहीं। सड़क पर ढेर सारी धूल और नुकीले बड़े पत्थर थे, कांटे थे, कटीले पेड़ थे। बेचारे बच्चे छुट्टी के बाद इधर उधर भटकते और स्वार्थी दानों के शानदार उद्यान को याद करके दुखी होते। उधर उद्यान में पेड़ पौधे भी उदास रहने लगे। अब उनके ऊपर चढ़कर मस्ती करने वाले बच्चे जो न थे। तितलियों चिड़ियों ने मंडराना गाना बंद कर दिया। एक वीरानी सी छा गई उस महल के उद्यान में। ऐसे सुनसान बड़े उद्यान को देखकर वहां ठंड ने अपना जाल बुनना शुरू किया। उसने अपने दोस्त धुंध और कोहरे को भी बुला लिया और धीरे धीरे उन लोगों ने सारे पेड़ों पर, हरी नरम घास पर एक सफेद बर्फ की चादर बिछा दी। झील पर भी एक सफेद बर्फ की चादर बिछ गई और स्वार्थ की दीवार के अंदर एक मनहूसियत छा गई। फिर बर्फ और कोहरे ने अपनी दोस्त उत्तरी ठंडी हवाओं को प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया। उत्तर की ठंडी हवा अपने दांत किटकिटाती पूरे महल उद्यान में सनसनाती घूमने लगी। अब स्वार्थी दानव दिन भर
अपने महल के दरवाजे खिड़कियां बंद करके चुपचाप कंबल ओढ़कर पड़ा रहने को मजबूर हो गया। उसके महल का सारा पानी जमकर बर्फ हो गया। अब उत्तरी हवाओं ने बर्फ और कोहरे से मंत्रणा करके अपने मालिक नरक को भी बुलावा भेजा और कुछ ही घंटों में नरक ने अपनी उपस्थिति स्वार्थी दानव के उद्यान में दी। नरक ने तीनों को इस काम के लिए बड़ी शाबाशी दी और नरक महल की छत पर नाचने लगा और अब तो पूरे उद्यान में चारों लोग मिलकर तांडव करने लगे। तांडव भीषण तांडव ही स्वार्थी दानव बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोच रहा था कि इस बार वसंत ऋतु मेरे उद्यान में क्यों नहीं आ रही, जबकि पूरे गांव में कोयल कूकने लगी हैं, जंगल में पलाश और अमलताश फूलों से लद गए हैं, आम और नीम बौरा गए हैं, क्यों मेरे उद्यान में वसंत ऋतु नहीं आई। और दुखी मन से स्वार्थी दानव देर रात तक ठिठुरता रहा। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसे रोशनदान के रास्ते किसी चिड़िया के चहचहाने का मधुर संगीत सुनाई दिया। पहले उसने सोचा ये राजा के संगीतज्ञ की टोली होगी जो नीचे रास्ते से गुजर रही होगी। जब उसने खिड़की खोली तो बाहर एक अद्भुत नजारा था, एकदम अद्भुत। पूरे वृक्षों पर शबाब लबालब उतर आया था। उसने मन ही मन कहा, लगता है वसंत आ गया है। ध्यान से देखने पर उसे दिखलाई दिया कि गांव के बच्चों ने दीवार में एक छोटा सा छेद कर लिया है पत्थर निकालकर, और उस छोटे से छेद में वे सारे बच्चे उद्यान में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा उद्यान फिर से हरा भरा हो गया है। चिड़ियां तितलियां उड़ रही हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, बर्फ कोहरा उतरी है, तूफानी ठंडी हवा गायब हो गई है। उसने कहा, मैं कितना स्वार्थी हूं जिसने अपने चारों ओर स्वार्थ की दीवार खड़ी कर ली थी और वसंत ऋतु को आने से रोक दिया था। हाय मैं कितना स्वार्थी हूं, मैं कितना स्वार्थी हूं। उद्यान के एक अलहदे कोने पर अब भी बर्फ जमी थी, घना कोहरा था, हवा साए साए करके बह रही थी। उस कोने के विशाल वृक्ष पर अब भी बर्फ की चादर बिछी हुई थी। उस पेड़ के नीचे एक नन्ना सा छोटा सा बच्चा अथक परिश्रम कर रहा था पेड़ पर चढ़ने का, पर वो बहुत छोटा था, यहां तक कि पेड़ ने अपनी शाखाओं को भरपूर नीचा किया, फिर भी वो नन्हा सा बालक उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था और इसलिए वो दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था। स्वार्थी दानव की आंखों में इस दृश्य को देखकर आंसू आ गए। उसने कहा, रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, मैं आता हूं और मैं आकर तुम्हें चढ़ाता हूं पेड़ पर। और वह अपने महल से तेजी से नीचे उतरा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उस कोने के पेड़ की तरफ बढ़ चला। दानव का आता देख बच्चों में खलबली मच गई और वे बाहर की तरफ भाग खड़े हुए। कोने के पेड़ के पास खड़े बच्चे ने दानव को आते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी ना। बच्चों के भागने से उद्यान फिर उदास हो गया, फिर उदास। दानव ने उस छोटे बच्चे को धीरे से उठाया और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बिठला दिया। बच्चा हंसने लगा और उसने दानव की बाहें थामकर उसकी चुम्मी ले ली। इस दृश्य को देखकर बाकी बच्चे वापस उद्यान में दौड़े चले आए। दानव ने बच्चों से कहा,
आज से ये उद्यान तुम सब लोगों का है। रोज आया करो, रोज आके खेला करो। और उसने अपने महल से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और चारों तरफ घिरी हुई स्वार्थ की दीवार को अपने हाथ से ढहा दिया, अपने हाथ से गिरा दिया। दोपहर के बाद जब गांव वाले अपनी बैलगाड़ियों से शहर से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। दानव बच्चों के साथ मिलजुल कर खेल रहा है। जब सब बच्चे घर को लौट रहे थे, दानव की नजरें उस छोटे बच्चे को ढूंढ रही थी जिसने उसकी चुम्मी ली थी। उसने बच्चों से कहा, मेरा वो नन्ना दोस्त कहाँ है यार, उससे कहना कल जरूर आए। बच्चों ने कहा, हम उसे नहीं जानते, इससे पहले हमने उसे देखा भी नहीं है। अब बच्चे रोज दोपहरी के बाद उस उद्यान को चमन बनाने आते और दानव भी उनके साथ रोज खेलता, पर दोबारा वो नन्ना बच्चा दिखलाई नहीं दिया। दानव की नजरें उसे हमेशा खोजती रहती। इस तरह कई साल बीत गए। दानव अब बूढ़ा हो चला था, बीमार भी रहता था। वह एक बड़ी लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठ जाता और बच्चों की उछल कूद के मजे लेता रहता। कहता, मेरे उद्यान में कई सुंदर फूल हैं, पर तुम सब बच्चे तुम सब गांव के बच्चे उन फूलों से भी सुंदर हो, उन फूलों से भी सुंदर हो। और फिर ठंड आई। दानव ने कहा, ये वृक्षों, फूलों, घास और टहनियों के सोने का समय है, ठंड तो आएगी ना। रात हुई, दानव भी अपने बिस्तर और रजाई में दुबक गया। सुबह नींद खुलने पर जब उसने खिड़की खोली तो पूरा उद्यान धुंध की चादर में लिपटा हुआ था, किंतु वो कोने के पेड़ पर चांदी के फूल खिले हुए थे। उसकी शाखाएं सुनहरे रंग की हो गई थी, रंग बिरंगी चिड़ियाएं उस पर बैठकर मधुर गीत गा रही थी। पेड़ पर बहार थी, क्योंकि पेड़ के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था। दानव अपने महल से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस बच्चे के पास पहुंचा। बच्चे के हाथ में चोट के निशान देखकर बोला, ये किसने तुम्हारे हाथों में घाव किए हैं? बतलाओ, बतलाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और प्यार से उसने बच्चे को उठा लिया और अपना मफलर उसे लपेट दिया। बच्चे ने कहा, कुछ नहीं, ये प्यार के निशान है जो आपने मुझे दिए थे। अब सुनिए, एक दिन मैं आपके उद्यान में खूब खेला था, आज आपको मेरे सुंदर बगीचे में मेरे साथ चलना होगा। चलेंगे ना? और धीरे धीरे दोनों डूबते सूरज की लालिमा में ओझल हो गए। द जॉय ऑफ स्प्रिंग इज नॉट फॉर दोज हु हैव बिल्ट द वॉल ऑफ सेल्फिशनेस अराउंड देमसेल्व्स। प्रकृति और वसंत की सुंदरता और आनंद उन लोगों का नहीं होता जो अपने चारों तरफ स्वार्थ की दीवार खड़ी कर लेते हैं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।